Greetings from City Room IBA Church, Ludhiana. I am Pastor A.B. Samuel. Thank you, Pastor Gio Varghese and Grace Fellowship Ahmedabad. मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ. मुझे एक अवसर मिल गया इस वजन को, इस एक छोटा सा तोर्स को ग्रेस फेलोशिप अहमदाबाद की कलिशिया को बताने के लिए. मुझे अवसर मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हो. थैंक यू. मैं विश्वास करता हूं आप सब ठीक ठाक हैं, सुरक्षित हैं. हम भी आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं. परमेश्वर आपको बहुत आशीषों से भर दे. इस परिस्थिति में परमेश्वर आपको सुरक्षिता में रखे. मैं जल्दी एक छोटा सा एक थॉट्स मैंने आपको देना चाहता हूं, ताकि इस परिस्थिति में परमेश्वर आपको बल और शक्ति दे. मेरे यीशु आपको सामर्थ्य भर दे, ताकि आने वाले बहुत बड़े आशीषों को पाने के लिए खुदा आपको तैयार करे. यही हमारा प्रार्थना है. यह परमेश्वर के दास ने मुझसे कहा है कि हमारी कलीसिया के लिए एक तौर से दौर बनाना है. मुझे इन दिनों में खुदा ने एक बात सिखाया, वो बात मैंने आपके बीच में रखना चाहता हूं. अय्यूब की किताब से, द बुक ऑफ जॉब, उसकी 35 की 10 में ऐसे लिखा हुआ है. तो भी कोई ये नहीं कहता, मेरा सजन वाला परमेश्वर का है, जो रात में भी गीत गवाता है. आमेन. इन इंग्लिश इज रिटन लाइक दिस, जॉब 35:10. बट नो वन से वेयर इज गॉड माई मेकर हु गिव्स सॉन्ग्स इन द नाइट. ये जो अय्यूब की किताब, इस चैप्टर आप पढ़कर देखा है तो एलू अय्यूब से बात कर रहे हैं. मुझे एक बात उसमें अच्छा लगा, गॉड हु गिव्स सॉन्ग्स इन द नाइट. गॉड हु गिव्स सॉन्ग्स इन द नाइट. इन आधी रात में गाना देने वाला परमेश्वर, खुशियां देने वाला परमेश्वर, आनंद देने वाला परमेश्वर. एक बात हम याद रखना, हम सबकी जिंदगी में एक डे भी आता है, एक दिन आता है, एक रात भी आता है. मैंने ये जो बात हमारी समय के बारे में नहीं, आज ये मून एंड सन इनके बारे में नहीं है, टॉकिंग अबाउट हमारी जिंदगी के बारे में. हमारे जिंदगी में खुशियां, आनंद, जॉय, ट्रायल्स, हमारे आत्मिक जिंदगी में भी हो, शारीरिक जीवन में भी हो, ये सब कुछ हम देख सकता है. ज्यादातर से हम पसंद करता हूं डे, दिन. कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक ठाक होना चाहिए. हम इवन प्रार्थना भी करता है, खुदा कोई प्रॉब्लम ना आ जाए. लेकिन मैं फिर भी बोलना चाहता हूं, चाहे आप कितना भी प्रार्थना भी करें, चाहे आप कितना भी प्रेयर करें, एक दिन है तो रात जरूर आएंगे. Our life is mixed with happiness and sad, ups and down, sorrows and sweetness. हम बहुत तंदुरुस्ती में रहने के टाइम पर अचानक हम बीमार हो गया. सब कुछ अच्छा होकर चल रहा था, अचानक कोई प्रॉब्लम आ गया. In that situation, how we can celebrate our midnight? पिछले 2020 की शुरुआत अच्छा दिन था, व्यक्त उम्मीद के साथ प्रॉमिसों को पकड़कर एक नया साल हमने शुरू किया. अच्छा दिन, अचानक एक रात आ गया. How we sing in the midnight? इस आधी रात में हम कैसे परमेश्वर स्तुति करेंगे, गाना गाएंगे. इधर हमें पता चले, एक ऑर्डिनरी चाइल्ड एंड द चाइल्ड ऑफ गॉड की डिफरेंट.
जब इस दुनिया, इस नाइट में, इस रात में बड़े कंप्लेन करेगा, बुड़बुड़ाएगा, लेकिन परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर का लोग, परमेश्वर के लिए गाना, स्तुति गाना गाने वाला लोग बनेगा। They will sing in the midst of struggles. They will sing in the midst of problems. इस परिस्थिति में वो गाना गाएंगे। इसलिए भजन संहिता 42 का 8 में ऐसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कोरह पुत्र, ऐसे लिखा हुआ है, By day, the Lord directs His love. At night, His song is with me. दिन भर वो मुझे प्यार से डायरेक्ट करेगा, रात को मुझे गाने से तृप्त करेगा। आपको पता है कोरह पुत्र ये जो गाना लिखने के टाइम पर उनके जिंदगी में आदि उत्तम समय नहीं था, सबसे मुश्किल, सब कुछ खत्म, कोई उम्मीद नहीं था, सब कुछ एंड हो गया, उस समय इस भजन संहिता उन्होंने लिखा है। वाई कोरह ऐसे क्यों गा रहे हो? इन द सिचुएशंस वेरी बैड, क्राइंग, सैड, दुख भरा हुआ समय पर गाना गा रहे, टीवी ऑन करेंगे तो डेथ, फियर, किसी से सुन रहे दुख भरा हुआ बात है। इन द मिस्ट ऑफ कोरह बच्चों से पूछना, पुत्रों से पूछना, आप कैसे गाना गा सकते हो? दे विल से, वो कहेगा, वो ऐसे कहेगा, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे पास एक टेस्टिमनी है। रात को मैं गाना इसलिए गा रहे, दिन भर खुदा की भलाइयों को मैंने देखा था, दिन भर परमेश्वर के आशीषों को मैंने देखा था, इसलिए रात को मैं परमेश्वर को गाना गा रहे। इसका मतलब मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, आपकी परिस्थिति आज रात की अवस्था में होगा, मुश्किल की अवस्था में होगा मेरी और आपकी जिंदगी, लेकिन मुझे इस रात में जो परमेश्वर ने किया उपकारों को, भलाई जो दिन भर किया, पिछले दिनों में किया, पिछले महीनों में किया, उसको याद करके धन्यवाद करने वाला एक समय है ये रात। ये जो परिस्थिति, जो मुश्किल, जो आपको लॉकडाउन में बिठाया, ये समय जो कल जो परमेश्वर ने किया हुआ भलाइयों को, पिछले महीने, पिछले सालों की भलाइयों को याद करने का टाइम है। कोरह चिल्ड्रन ऐसे गा रहे कि दिन भर उसके प्यार को मैं अनुभव करता हूं, रात को आकर मैं उसकी महानता को याद गाता हूं। हालेलुया। You know, इस परिस्थिति को, ये जो लॉकडाउन को, भजन संहिता 21 मुझे बहुत अच्छा लगा। भजन संहिता 23, भजन संहिता 23 में बहुत अच्छी रीति से दाऊद ने एक एक्सप्लेन किया हुआ है। You know, उसकी दूसरी आयत में लिखा हुआ है, He makes me lay down in the green pasture. मुझे उस हराई में चलाएगा, सब कुछ एक हराई में, एक हराई में, ग्रीन पास्टर में मुझे चला रहे खुदा, मुझे अच्छा लग रहे सब कुछ। अचानक, कभी उम्मीद नहीं था, कभी सोचा भी नहीं था, वो समय आ गया एक वैली, एक तराई में जाने के लिए। इसलिए उसके दूसरे में, तीसरी वर्ड में लिखा हो, 14 में लिखा हुआ है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। देखो एक शिफ्ट, एक ग्रीन पास्टर, एक हरे भरे जिंदगी से एकदम तराई की अनुभव, एकदम तराई की अनुभव। तब भी दाऊद बोल रहे हैं,
मैं डरूंगा नहीं। मेरे भाई बहनों, पिछले दिनों में, पिछले महीने में आप एक ग्रीनरी की अवस्था में था, हरे भरे अवस्था में था, अचानक एक तराई में जाना पड़ा, लेकिन परमेश्वर बोल रहे डरना नहीं, मत डरो। उसके बाद उसमें लिखा हुआ है, आज हमारी जीवन में सफर, ये मुश्किल परिस्थिति के समय है, ये डिफिकल्ट सिचुएशन में है, लेकिन उसके बाद आप याद रखना, हमारी जिंदगी भी एक टर्नल की अनुभव है। जिधर आप खड़ा है रोशनी है, लेकिन उसके बाद उस टर्नल से आप चलना पड़ेगा, उधर अंधकार, मुश्किल, परेशानी, लेकिन याद रखना उसके बाद कुछ हरे भरे आप जरूर देखेंगे। वैसा ही एक हरा था, एक हरे अनुभव था, लेकिन एकदम आपकी जिंदगी में तराई की अनुभव आ गया, लेकिन उसके बाद इस भजन संहिता में लिखा हुआ है, यू प्रिपेयर ए टेबल बिफोर मी, हालेलुया, मेरे शत्रुओं के सामने मैं को मेज भी जाकर देने वाला परमेश्वर। मैं आज आपसे बोलूं, आज इस लॉकडाउन, इस वायरस, इस प्रॉब्लम हमारे जिंदगी में एक तराई की अनुभव है, तो आने वाले दिनों में आपके लिए और मेरे लिए एक मेज बिछाने के लिए खुदा जा रहे हैं, एक मेज बिछाने के लिए जा रहे हैं। इसलिए इस परिस्थिति में परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए आप अपने जिंदगी में खुदा की बातों को करते जाओ, खुदा आपके जीवन में आशीष देगा। आई विल नॉट फियर, परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि वो परमेश्वर आने वाले दिनों में मेरे लिए मेज भी जाने के लिए जा रहे हैं। अब आने वाले दिनों में बड़े बड़े कार्य को देखने के लिए जा रहे हैं। इस परिस्थिति में, इस मुश्किल की अवस्था में परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर को स्तुति करो, परमेश्वर को आराधना करो, परमेश्वर की आपकी जिंदगी में पिछले दिनों में मिला हुआ भलाइयों को याद करो। आने वाला दिनों में आपके लिए खुदा मेज भी जाने के लिए जा रहे हैं, खुदा आपके साथ है। मैं गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको अनुग्रह से भर दे। सर्वदयालु परमेश्वर, मेरी भाई बहन जो भी इस आवाज को सुन रहे, गॉड ब्लेस देम, इस रात के समय पर, इस मिडनाइट में तेरे लिए गाना गाने दो। परिस्थिति कुछ भी हो, परमेश्वर की महानता को देखने दो, परमेश्वर की भलाइयों को देखने के लिए इन दिनों में मेरे भाई बहनों को मदद और सहायता कर। खुदा इस परिस्थिति के बाद तू हमारे लिए एक मेज बिछाने के लिए जा रहे, उसके लिए धन्यवाद। सारे आदर और महिमा आपको देता हूं यीशु के नाम से, आमीन आमीन। मैं गॉड ब्लेस यू, खुदा आपके साथ है, लव यू ऑल। हमें भी प्रार्थना में याद ही रखना। थैंक यू सो मच।